हाय फ्रेंड, मैं नियमत खान नियमटेक के जानिब से। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि सिक्वा सर्वर को 2017 को इंस्टॉल कैसे करते हैं। उसके बाद एमएस के बारे में, मतलब सिक्वा सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करते हैं, मतलब सिक्वा सर्वर का जो टूल है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब हम जो बताने जा रहे हैं, ये जो सिक्वा सर्वर है, मतलब डेटाबेस को हम रीस्टोर कैसे करते हैं। हमारे पास किसी के पहले का डेटा बना है, डेटाबेस बना है, उसको हम रीस्टोर करते हैं। तो आइए हम बताते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे सिक्वा सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये सिक्वा सर्वर मैनेजमेंट हमारा ओपन हो जाएगा और ये कनेक्शन है, मतलब कनेक्ट करेंगे इसे। ऐसे यहाँ तो अगर कनेक्ट नहीं होता है तो हम यहाँ पर ये जो है बटन देख रहे हैं, ये जो प्लग, इस पे क्लिक करते हैं, ये पेज आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पेज आते ही ये हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, मतलब सिक्वा सर्वर इंजन जो है हम इसको सेलेक्ट किया और ये ओपन हो गया। फिर हम इसे यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा विंडोज ऑथेंटिकेशन है। अगर हम पासवर्ड वगैरह सेट करते हैं तो यहाँ पे, मतलब सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे, और ये इसको आईपी वगैरह डाल के करते हैं। अभी हम विंडोज से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हमें बहुत सारा मतलब चीज़ दिख रहा है। मैं धीरे धीरे सारे वीडियो में कवर करूँगा कि गेम क्या है, कौन चीज़ क्या है, मतलब सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी के अंदर में जो हमारे पास ये लॉगिन, सर्वर रूल, क्रेडेंशियल, मतलब ऑडिट, और भी हम जब डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल करेंगे, अल्टा टेबल कैसे करेंगे, और मतलब रीस्टोर कैसे करेंगे डेटाबेस को, और डेटाबेस को रिमूव कैसे करेंगे, रीनेम डेटाबेस को कैसे करेंगे, मतलब सिक्वा सर्वर के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छा लग रही है तो लाइक कर लें, और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड। तो सबसे पहले चलिए टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं या फिर हम इसके ऊपर यहाँ पे करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे डेटाबेस रिस्टोर डेटाबेस। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते ही ये हमें एक पेज लेकर जाएगा, ये पेज ओपन होगा। फिर हम यहाँ पे कहाँ से कर रहे हैं, डिवाइस से कर रहे हैं। तो डिवाइस से क्लिक करते ही हमें यहाँ पे डिवाइस को चूज करना है। ये जहाँ यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर का जो बन रहा है, तो इस पे क्लिक करते हैं। फिर हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जहाँ पे हमारा फाइल है उसको उसके पास जाते हैं। ये हमने यहाँ पे गया, देखिए हमारा ये यहाँ पे दो बैकअप है, तो मैं इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद देन ओके किया, फिर यहाँ पे भी ओके कर लेता हूँ। ये फाइल हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। ये डेटाबेस का नाम है और ये बैकअप है, ये लोकेशन है, यहाँ पर से मैंने उठाया, ये कब बैकअप लिया था, 30 नवंबर का है। ये हम इसको यहाँ पे टेस्ट भी करते थे, वेरीफाई बैकअप को वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, ये थोड़ा देर में लिया, ये वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया। देखिए यहाँ पे लिख रहा है बैकअप मीडिया वेरीफाई सक्सेसफुल। ठीक है, आप देन ओके कर देते हैं। ये देखिए प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस बारह 35%, 40%, 50%, ये देन 100% होगा, ये हमारा बैकअप मतलब कि पूरा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा देखिए डेटाबेस रिस्टोर सक्सेसफुली हो गई। ओके, अब मैं यहाँ पे ओके करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे डेटाबेस है जो कंप्लीट हो गई। इसके अंदर हमारा जो है डेटाबेस है, ये सब टेबल वगैरह सब है इसके अंदर, जो भी है सब मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर।